बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, टोयोटा क्रोला अल्टेस 1.6 SR ऑटोमेटिक गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। ब्लैक पर्ल कलर के अंदर आपको गाड़ी टोटली जेन्युइन मिलती है, बम्पर टू बम्पर। अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो 96,000 ओरिजिनल गाड़ी किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। इसके अलावा गाड़ी आप लोगों को लाहौर की रजिस्टर्ड मिलती है। अगर गाड़ी की लोकेशन की बात की जाए तो पिशावर व्हील प्रो के नाम से शुरू में वहाँ पर आपको गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। अभी जैसे शोरूम के ऊपर आपको गाड़ी अवेलेबल खड़ी हुई मिल जाएगी। अब इंशाल्लाह इसके डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गाड़ी का किस तरह का है। इसके अलावा आपको इस शोरूम के ऊपर आपको डिफरेंट गाड़ियां मिलेंगी, 2022 मॉडल, 2014, 15, 18। इसके अलावा एक्वामाड़ी, जपीस, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी आपको ए टू जेड आप लोगों को वहाँ पर हर किस्म की गाड़ी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर और काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन और गाड़ी मतलब परफेक्ट कंडीशन के अंदर आप लोगों को मिलेगी। किसी गाड़ी के अंदर कोई पेपर का इशू, किसी गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ज़रा सी गाड़ियों की डिमांड इस तरह मतलब ज़रा सी हाई हो जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं सारी आप लोगों को एंटीक पीस ही मिलेंगी। अब इंशाल्लाह इसके डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गाड़ी का किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आप लोगों को कुछ इस तरह की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। इन मॉडल्स के अंदर डिफरेंट वेरियंट आए, अभी जस्ट 2014 मॉडल के अंदर ही आप लोगों को जस्ट XLi भी मिलेगी, GLi भी मिलेगी और आप लोगों को मिल जाती है SR जो कि आप लोगों को अल्टस मॉडल मिलती है ऑटोमेटिक। इस GLi के अंदर भी आप लोगों को ऑटोमेटिक मिलती है मैनुअल और अल्टस के अंदर भी आप लोगों को जस्ट ऑटोमेटिक ही गाड़ी मिलेगी, मैनुअल नहीं मिलती। अब इंशाल्लाह इस गाड़ी का डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं। इसके अगर बानेट की बात की जाए आप लोगों को काफ़ी साफ सुथरा इसका बानेट मिलता है, साइड में आप लोगों को इसके कर्व से बने हुए मिल जाएंगे। फ्रंट के ऊपर इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल इट्स मीन ग्रिल और इसका बम्पर जो है आप लोगों को ओरिजिनल पेंट के अंदर मिलता है। फ्रंट इसका जो फ्रंट ग्रिल है हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर की दी जाती है। फ्रंट के अंदर आपको क्रोम का लोगो दिया जाता है, नीचे आप लोगों को ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर येलो कलर की आप लोगों को फॉग लाइट्स मिलती हैं जो कि गाड़ी की ओरिजिनल आप लोगों को इसके अंदर फॉग लाइट्स मिलेंगी। इसकी अगर हेडलाइट्स की बात की जाए तो इसकी हेडलाइट्स आप लोगों को काफ़ी साफ़ सुथरी मिलती हैं लश कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को लो हाई बीम का बल्ब एंड इंडिकेटर दिया जाता है। इन मॉडल के अंदर जितने मतलब वेरियंट हैं इनके अंदर आप लोगों को सेम मतलब शक्ल मिलेगी। कोई इट्स मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके जो डिज़ाइन के अंदर कोई डिफरेंट नहीं होगा, जस्ट अंदर इंटीरियर का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, इंजन का होगा और मॉडल का, या फिर आप लोगों को कुछ लाइट्स का डिफरेंट आएगा। इसके अलावा जो इसकी फ्रेम वाइज शेप है वो आप लोगों को जस्ट एक ही स्पेस के अंदर आपको सेम मिलती है। बात करते हैं जी फ्रंट इसकी स्क्रीन की, आप लोगों को साफ़ सुथरी आप लोगों को फ्रंट स्क्रीन मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है सनरूफ जो कि आप लोगों को ओरिजिनल मिलता है, ये चीज़ इसके अंदर काफ़ी नाइस है। इसके अलावा आप लोगों को रिटेक्टिव मिलर मिलते हैं जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक, आप इन्हें अंदर से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी राइट साइड से फिंडर की बात की जाए तो फिंडर आप लोग देख लें बिल्कुल साफ सुथरा, इसके अंदर आपको जस्ट एक लोगो मिल जाता है। इसके अलावा विंडोज़ के पैनल्स आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर, आफ्टर मार्केट इसके अंदर सनशाइन, आफ्टर मार्केट इसके अंदर डिफरेंट कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों को इंस्टॉलेशन मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट स्क्रीन, बैक साइड की स्क्रीन, विंडोज़ के ऊपर आप लोगों को ब्लैक पेपर नहीं मिलता, जिस तरह अभी यहाँ पर एक्वा नज़र आए इसको ब्लैक पेपर है, इसी तरह इसके ऊपर आपको नहीं मिलता। कहीं पर आप लोगों को टेंट वगैरह नहीं मिलता, टेंट करवाने से ये होता है जब आप उतारेंगे तो आप लोग आपकी जो विंडोज़ हैं वो ज़रा सी धुंधली सी हो जाएंगी और उसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रेचेज आ जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर विंडोज़ की तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। नीचे इसके आप लोगों को फिन बोर्ड के ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक कवर्स मिल जाता है, जिससे गाड़ी दरअसल और ज़्यादा अमेजिंग लुक में आ जाती है। यहाँ पर आप लोगों को इसकी लेफ़्ट साइड पर दिखा देता हूँ, ये आगे इसकी लेफ़्ट साइड काफ़ी साफ़ सुथरी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी बैक साइड की प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ इस तरह की आप लोगों को बैक साइड की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। क्रोला अल्टस का आपको लोगो, नीचे 1.6 SR का आपको। यहाँ पर आप लोगों को इसकी टेल लाइट्स का थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अब इन मॉडल्स के अंदर डिफरेंट लाइट्स का मैंने बताया था, GLi के अंदर लाइट्स अलहदा आई हैं, XLi के अंदर ज़्यादातर शेप अलहदा आया है और सादा जो 2010 मॉडल उनके अंदर आपको बल्ब वाली लाइट्स मिलती हैं और इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं। इनके डिज़ाइन 13-14 का सेम भी लाइट्स हैं, ठीक है, GLi अल्टस के अंदर। यहाँ पर LED लाइट्स, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट, नीचे इसका आ गया बम्पर, बम्पर के अंदर भी नीचे आपको छोटी सी लाइट्स दी जाती है और बम्पर बिल्कुल शाइन वाला बम्पर, कोई स्क्रेचेस आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ना ही फिंडर के ऊपर, ना ही वे विंडोज़ के पैनल्स के ऊपर। विंडोज़ के जो पैनल्स हैं इनके ऊपर आपको एल्यूमिनियम की ट्रिमिंग दी जाती है। इसके अलावा इसके ओरिजिनल आप लोगों को चिक्कड़ मेट्स मिलेंगे और बैक साइड के ऊपर आपको ब्रेक लाइट दी जाती है और जस्ट साफ़ सुथरी आप लोगों को स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को इसका कंपनी का लोगोज़ मिल जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर इसके फ्रेम वगैरह देख लें, जूम करके दिखा देता हूँ, कोई स्क्रेचेज वगैरह आपको नहीं मिलते। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 61 लीटर का फ्यूल टैंक स्टोरेज आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर आगे इसकी बैक साइड की प्रोफाइल, यहाँ पर अगर इसकी टायर्स की बात की जाए तो इसके अंदर इस मॉडल के अंदर जी आप लोगों को ओरिजिनल अलॉयज मिलते हैं, अल्टस मॉडल, जस्ट अल्टस मॉडल के अंदर। इसके अलावा अगर आप और XLI GLI की बात करें उनके अंदर आपको सादा रिम मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ओरिजिनल अलॉयज जो आया करते थे वो आप लोगों को मिलेंगे। टायर और टायर की कंडीशन की बात की तो आप लोगों को ब्रांड न्यू टायर्स भी मिलते हैं इस मॉडल के अंदर। यहाँ पर अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर की लुक देख लें, ऊपर आ गया सनरूफ, मिरर में LED लाइट्स और ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। यहाँ पर स्टेयरिंग की बात की जाए तो कुछ स्टेयरिंग आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, लेदर की स्टिचिंग आप लोगों को ग्रिप वाइज मिल जाएगी, मिरर में आप लोगों को एयर बैग्स मिलता है, इसके अलावा आप लोगों को टोयोटा की बैजिंग, स्टेयरिंग के अंदर आप लोगों को म्यूजिक कंट्रोल और डिफरेंट स्पीडोमीटर कंट्रोल करने के बटन आप लोगों को मिल जाएंगे। राइट की जाने में एसी के वेंट, साइड मिरर कंट्रोल के बटन, इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर डिजिटल आपको स्पीडोमीटर भी मिलता है और इसके अंदर गेजेस भी आपको मिल जाएंगी, RPM स्पीडोमीटर और नीचे आप लोगों को टेम्परेचर गेज, इसके अलावा रीडिंग वगैरह का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। डैशबोर्ड जो है बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलेगा काफ़ी लश कंडीशन के अंदर। मैडम में आप लोगों को एक तो क्रोम दी जाती है, इसके अलावा आप लोगों को ओरिजिनल LED मिल जाती है, एसी के वेंट, क्रोम की ट्रिमिंग, ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, इलेक्ट्रिक किस्म का थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर डिजाइन सा मिलेगा, फीलिंग आएंगी। इसके अलावा इसी के मैनुअल बटन और इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट मौजूद मिल जाता है। और डैशबोर्ड कलर के अंदर आप लोगों को जस्ट एक सिलाई GLI अल्टस के अंदर आपको जस्ट एक ही इंटीरियर कलर आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा बहुत मिडम में जो है ना कंसोल वगैरह इनके अंदर थोड़ा सा डिजाइन अलहदा होगा, इसके अलावा जो इसका इंटीरियर होगा वो बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलेगा। स्पेस वाइज भी गाड़ी बेस्ट है और यहाँ पर आप लोगों को इसके मैनुअल ऑटो बटन मिलते हैं। यहाँ पर अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो आप लोगों को कुछ सीट्स ऐसे हैं कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी, उनके डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ आपको। लेदर की सीट्स मिलती हैं जिसमें नीचे आप लोगों को फिनबोर्ड के ऊपर भी मिल जाएगी प्लास्टिक। इसके अलावा इसके अंदर आपको पावर बटन्स मिलते हैं, फ्रंट ऑटो, तीन मैनुअल, लॉक अनलॉक का बटन, रुगजीन, नीचे ग्लास होल्डर, स्पीकर आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा हार्ड प्लास्टिक का कवर और ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। अब बात करते हैं जी इसके इंजन की, तो कुछ इस तरह का आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा। 1.6 SR आप लोगों को 1600 CC आप लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन मिलता है। अंदर से कंडीशन भी इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर इसकी कुछ इस तरह की प्रोफाइल देख लें, ऐसी हिटराची आप लोगों को परफेक्ट मिलेगी। यहाँ पर जी आ गया इसका फ्रेम। और अब बात करते हैं जिसकी प्राइस की, तो इसकी 28 लाख इसकी फाइनल प्राइस बताई गई है। अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्ट रखता हो तो उसके लिए गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लेकिन प्राइस थोड़ी बहुत हाई है। लेकिन एनीवे अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्ट रखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट वीडियोज़ का रिव्यू चाहते हैं तो हर किस्म की गाड़ी का मेरे चैनल को आप लोगों को रिव्यूज़ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बिना टाइम ज़ाया किए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।